तो दोस्तों, जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि इस वक्त हमारे देश के अंदर बाढ़ आ रखी है फुटबॉल फैंस की। वैसे तो आउट ऑफ नोवेयर हमारे देश के अंदर हर जगह पानी भी भर गया है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर हमारे देश के अंदर फुटबॉल को लेकर काफी ज्यादा प्यार भी उमड़ कर आ रहा है इंटरनेट के ऊपर, जो कि काफी अच्छी चीज है। पर किसी भी देश के अंदर फुटबॉल की डेवलपमेंट सिर्फ उनकी नेशनल साइड के अच्छे करने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि उससे कई ज्यादा डिपेंडेंट होती है उस कंट्री के अंदर खेले जा रहे क्लब फुटबॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर। और हमारे देश में ज्यादातर फुटबॉल फैंस को इंडिया के क्लब फुटबॉल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि हर ISL के अंदर दो विनर्स को अवार्ड किया जाता है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर प्रीमियर लीग होती है, स्पेन के अंदर ला लीगा होता है, इटली के अंदर सीरी आ होता है, फ्रांस के अंदर राइट्स होते हैं। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर भी कई सौ सालों से क्लब फुटबॉल खेली जा रही है एंड एक काफी बड़ी हिस्ट्री है क्लब फुटबॉल की जब हम बात करते हैं। एंड करंटली हम जिस साल के अंदर जी रहे हैं, ये प्रोबेबली इंडियन फुटबॉल के क्लब स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सालों में से एक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को इंडिया के क्लब फुटबॉल की हिस्ट्री, एट द सेम टाइम उनका प्रेजेंट और उनका फ्यूचर, ये तीनों चीजें समझाने वाला हूं एक ऐसे तरीके से कि अब तुम्हें आने वाले टाइम के अंदर ना प्रोबेबली कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। पर भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें दो चीजों के बीच में एक बहुत बेसिक डिफरेंस समझाना चाहूंगा, जो कि होगी एक लीग और एक टूर्नामेंट। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता, एक लीग के अंदर 10 टीमें एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर एक दूसरे को दो तीन बारी खेलती हैं एंड पॉइंट्स के लिए लड़ती हैं। एट द एंड ऑफ द लीग जिस टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो लीग जीत जाती है। एंड एक टूर्नामेंट के अंदर नॉकआउट बेसिस के ऊपर काफी सारी टीम्स एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं एंड सेमीफाइनल्स फाइनल्स के बाद एक्चुअली में एक विनर डिसाइड किया जाता है। इंडिया के अंदर क्लब फुटबॉल की सबसे पहली छाप 1888 तक जाती है, जिस साल डूरेंट कप की शुरुआत हुई थी, जो कि इंडिया का सबसे पहला फुटबॉल कंपटीशन था। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला फुटबॉल कंपटीशन और पूरे वर्ल्ड का फिफ्थ ओल्डेस्ट फुटबॉल कंपटीशन है। इस कंपटीशन की शुरुआत ऑब्वियसली तब हुई थी जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन ये कंपटीशन आज तक खेला जाता है, जहां पे इनके लास्ट एडिशन को एक्चुअली में बेंगलुरु ने जीता था। इस कंपटीशन को जीतने वाली टीम को तीन ट्रॉफी से नवाजा जाता है, जहां पर इनको डूरेंट कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप दिया जाता है। अब इसके अंदर शिमला ट्रॉफी इसलिए क्योंकि ये कंपटीशन स्टार्टिंग में शिमला में खेला जाता था, जो कि एक्चुअली में ब्रिटिश राज के वक्त इंडिया का समर कैपिटल था। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल FC, ये दोनों टीमें इस कंपटीशन को सबसे ज्यादा बारी जीतने वाली टीम है। दोनों ने ये कंपटीशन 16 बारी जीता है। 1893 में इंडिया की पहली फुटबॉल गवर्निंग बॉडी की शुरुआत होती है, जो कि थी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब तो सुनने में लग सकता है कि ये एसोसिएशन इंडिया के ऑल ओवर फुटबॉल को गवर्न करने के लिए बनाया गया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये स्पेसिफिकली बंगाल के अंदर कॉम्पिटिशन को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर बाहर से जब भी कोई कंट्री आती थी खेलने के लिए तो ये लोग उनको मैनेज करते थे। IFA Shield, ट्रेड्स कप, कैलकटा फुटबॉल लीग, ऐसी काफी सारी कॉम्पिटिशन इस एसोसिएशन ने शुरू करे थे। एंड तुम कह सकते हो कि कैलकटा फुटबॉल लीग, जो कि इस IFA ने शुरू करी थी, वो इंडिया की पहली लीग कॉम्पिटिशन थी। 1937 के अंदर AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की शुरुआत होती है और ये पूरी इंडिया की फुटबॉल को गवर्न करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद AIFF 1941 के अंदर इंडिया की पहली ऑल इंडिया फुटबॉल लीग कंडक्ट करती है इन फॉर्म ऑफ संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी को ओरिजिनली एक लीग फॉर्मेट में खेला जाता था, लेकिन 1996 के बाद उसको एक टूर्नामेंट कंपटीशन के अंदर चेंज कर दिया गया, क्योंकि 1996 के अंदर इंडिया की पहली फुटबॉल लीग आती है इन ट्रू सेंस, जिसको ट्रूली एक फुटबॉल लीग बोला जा सकता है, एंड दैट वाज नेशनल फुटबॉल लीग। आगे जाकर इस फुटबॉल लीग के दो डिवीजन भी बनते हैं, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, लेकिन 2007 के अंदर इन तीनों ही लीग्स को साथ में स्क्रैप कर दिया जाता है। NFL इतने सालों के एग्जिस्टेंस के अंदर इंडिया के अंदर फुटबॉल को लेकर वो एंथुजियाज्म क्रिएट नहीं कर पाती जो कि उससे एक्सपेक्टेड होता है। काफी सालों की मेहनत के बावजूद उसके अंदर प्रमोशन और डेलीगेशन का जो सिस्टम होता है वो सही से बैठ नहीं पाता। एंड इस सारी रीजंस की वजह से 1996 के अंदर शुरुआत होने के बावजूद 2007 के अंदर उसको रीब्रांड कर दिया जाता है इनटू आई लीग। 2007-08 सीजन जब आई लीग की शुरुआत हुई थी, तभी से उसके अंदर एक रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम सेट था, जहां पर आई लीग और आई लीग 2 आपस में एक रेलीगेशन और प्रमोशन वाला सिस्टम के हिसाब से खेला करती थी। पर आई लीग के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें थी कि कैसे उनके पहले सीजन के अंदर ही पहली 10 में से 10 टीमें एक्चुअली में इंडिया के सिर्फ 4 शहरों को बिलोंग करती थी। तो दो आई लीग को बनाने का मेन मोटिव यह था कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर फुटबॉल फैलाई जाए, बट स्टिल उसके अंदर खेल रही सारी की सारी टीमें सिर्फ 4 शहरों से आई थी। लेकिन अब यहां पर इंडिया के हर एक चीज की तरह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट होता है पैसे का। 2010 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स से इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप साथ में मिलकर AIFF के साथ एक 700 करोड़ रुपए की डील साइन करते हैं। इसके बाद IMG रिलायंस के पास हर एक चीज के राइट आ जाते हैं। टेक्निकली पावरफुल इनफ कि वो लोग अपने
अपने आप की एक नई लीग बना ले। तो इसके बाद होता यह है कि IMG रिलायंस और आई लीग के अंदर मौजूद बाकी सारी जो टीम्स वगैरह होती है, उनके जो मैनेजमेंट्स होती है, उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो जाते हैं कि कैसे उन्हें इंडिया के अंदर फुटबॉल बढ़ावा देना चाहिए। IMG रिलायंस का प्लान ये होता है कि वो आई लीग को एकदम चेंज करके MLS की तरह, जो कि US में खेली जा रही होती है, उसके स्ट्रक्चर की तरह बना देंगे, थोड़ी पावर स्टडेड एंड ऐसा कि कमर्शलाइज कर देंगे उस लीग को। बट आई लीग को ये चीज मंजूर नहीं होती है, वो चाहते होते हैं कि आई लीग को एक डिफरेंट ओहदा दिया जाए। ये सारी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हैं, तुम्हें पता है इंडिया की हर चीज के अंदर, जैसे कि बकचोदी होती है वो भी इसके अंदर कंटिन्यू रहती है, एंड आगे जाकर हमें मिलती है ISL। तो 2014 के अंदर ISL की शुरुआत होती है, लेकिन स्टिल 2014 से लेकर 2017 तक ISL को ना ही एक्चुअली में AFC, जो कि एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है, एंड FIFA, इन दोनों की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता। तो वो टेक्निकली सिर्फ एक बिलियनर की अपने मजे के लिए खिलाई जा रही फुटबॉल कॉम्पिटिशन होती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसलिए अगर तुम इंटरनेट पर काफ़ी सारी जगह देखोगी तो 2017 तक ISL को एक ऑफिशियल लीग माना ही नहीं गया है। लेकिन 2017 से 2022 तक ISL और आई लीग, ये दोनों को इंडिया की टॉप टियर लीग्स कंसीडर किया जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली ISL का कहना था कि भाई हम ऑब्वियसली अब बड़ी लीग बन चुकी है, हमें मान्यता मिल चुकी है। आई लीग ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि इतने सालों से चलती ही आ रही थी, तो उनका मानना था कि नहीं, हम लोग एक्चुअली में टॉप टियर लीग है, एंड इंडिया के अंदर ये सब कुछ पिछले इतने सालों से चलता रहा। लेकिन अब हम लोग फाइनली एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं जहां पर ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, एंड इंडिया के अंदर करंटली इस वक्त ISL उनकी टॉप टियर लीग है, फॉलोड बाय आई लीग, आई लीग 2 एंड देन आई लीग 3। तो फाइनली इंडिया के अंदर क्लब फुटबॉल वर्क कैसे करता है, तो मैं जान लेना भाई, मैं बताता हूँ। ISL इस वक्त इंडिया की टॉप टियर फुटबॉल लीग है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर प्रीमियर लीग होती है, वैसे इंडिया के अंदर अब ISL है। ISL के अंदर करंटली अब आने वाले सीजन के अंदर 12 टीमें होने वाली है, जहां पर 11 टीमें तो उनकी पिछले सीजन से कंटिन्यू रहेगी, एंड एक टीम पिछले साल की आई लीग की विनर है, जो कि राउंड ग्लास पंजाब, जिनको प्रमोशन करके अब ISL के अंदर भेज दिया गया है। ISL से जस्ट नीचे है आई लीग, जिसके अंदर होती है 15 टीमें अब आने वाले सीजन से। इससे पहले वाले सीजन के अंदर इसके अंदर 12 टीमें कंपीट करी थी, जिसके अंदर टॉप टीम जो कि राउंड ग्लास पंजाब थी, उनको ISL के अंदर प्रमोशन दे दिया गया, वही उनकी बॉटम टू टीम्स को आई लीग 2 के अंदर डिमोशन दे दिया गया। लेकिन इस साल का जो आई लीग का सीजन होने वाला है, उसके अंदर 15 टीमें होने वाली है, यहां पर 4 नई बिड्स एक्सेप्ट करी गई है, एंड हमें आने वाले टाइम के अंदर पता लग जाएगा कि ये टोटल टीम्स कौन कौन सी होने वाली है। आई लीग से और नीचे आ जाते हैं आई लीग 2 के अंदर, जहां पर ये प्रमोशन और रिलीगेशन वाला सिलसिला फाइनली खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर होती है 60 टीमें, जिसके अंदर टॉप 2 टीम्स प्रमोशन लेकर आई लीग के अंदर जाती है एट द एंड ऑफ द सीजन। पर ये तो हुआ सिर्फ प्रमोशन और रिलीगेशन का सिस्टम इंडिया के अंदर क्लब फुटबॉल के स्ट्रक्चर का। अगर मैं बात करूं सिर्फ ISL की, तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग लीग है। ISL के आने वाले सीजन के अंदर 12 टीमें कंपीट करेंगी, यानी ये 12 टीमें दो ट्रॉफीज के लिए कंपीट करने वाली है एट द सेम टाइम। सबसे पहले तो ये 12 की 12 टीमें एक दूसरे के साथ एक लीग फॉर्मेट के अंदर कंपीट करेंगी, जहां पर ये 12 की 12 टीमें एक दूसरे को दो बारी खेलेंगे थ्रू आउट द सीजन, एंड सीजन के एंड के अंदर टेबल पर टॉप पे बनने वाली टीम को ISL शील्ड से नवाजा जाएगा। ये ISL शील्ड 2019 के बाद से इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको सबसे पहली बारी गोवा ने जीता था, एंड करंटली इसके चैंपियंस मुंबई सिटी हैं। इसके बाद जो टॉप 6 टीम्स होगी ना, वो अलग से कंपीट करेगी फॉर द ISL ट्रॉफी, जिसमें से पहली और दूसरी टीम को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगा फॉर द प्ले ऑफ सेमीफाइनल, और जो बाकी की 4 टीमें हैं, यानी 3rd, 4th, 5th और 6th, एक्चुअली में प्लेऑफ्स खेलेगी फॉर द नॉकआउट। एंड इसके बाद वो जो बची हुई 4 टीमों में से 2 टीमें आगे नॉकआउट्स के अंदर क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद बची हुई 4 टीमों में सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे 2 लेगेड, एंड देन एक फाइनल खेला जाएगा, फाइनल के अंदर कोई 2 लेग्स नहीं होते, एंड वो फाइनल जीतने वाली टीम एक्चुअली में ISL चैंपियंस बनेंगे। तो जैसे कि अगर मैं पिछले सीजन की बात करूं 2022-23 वाले सीजन के अंदर, उसके अंदर ISL की जो शील्ड थी वो यहां पे जीती थी मुंबई सिटी ने, लेकिन ISL की जो चैंपियनशिप थी वो जीती थी ATK मोहन बगान ने। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर क्लब फुटबॉल का स्ट्रक्चर चेंज हुए जा रहा है, ये आगे जाकर और भी ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि इस साल एक बार फिर से आई लीग जीतने वाली टीम ISL के अंदर प्रमोट होगी, एंड इसके अगले साल से, यानी 2024-25 सीजन के अंदर से रेलीगेशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा इन ISL एंड आई लीग। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो अगले साल से हमें ISL के अंदर 12 की जगह 13 टीमें देखने को मिलेंगी। एट द सेम टाइम वो जो 13वीं टीम है, सीजन खत्म होने के बाद जो 13वीं टीम हुआ करेगी, वो यहां से रेलीगेट होकर आई लीग के अंदर चली जाएगी, एंड आई लीग को जीतने वाली टीम एक्चुअली में ISL के अंदर प्रमोट हो जाएगी। ये जो प्रमोशन रेलीगेशन का सिस्टम है ना, ये इंडिया के अंदर इससे पहले एक अच्छे फॉर्मेट के साथ एग्जिस्ट नहीं करता था। आई लीग किस हद तक इसको एग्जीक्यूट कर पा रही थी, बट स्टिल उसके अंदर वैरायटी ऑफ टीम्स, अलग अलग से स्टेट से, ये सब कुछ काफी कुछ था जो कि लैक करता था। तो अब हम फाइनली देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो क्लब फुटबॉल है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, जिसको तुम कह सकते हो कि ये देख के ठीक ठाक लगता है तुम्हें, एंड इसके अंदर होप डाल सकते हो तुम लोग कि आगे आने वाले टाइम के अंदर क्लब फुटबॉल इंडिया के अंदर
अंदर इस सिस्टम के हिसाब से बढ़ता ही चला जाएगा। तो भाई आई होप अब इस वीडियो के बाद तुम लोगों को क्लियर हो गया कि इंडिया के अंदर फुटबॉल करेंटली किस तरीके से चलता है, आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से चलने वाला है। तो भाई तुम लोग उस अकॉर्डिंग ही अपनी फेवरेट टीम चूज कर सकते हो, बिकॉज वाई नॉट। अगर तुम लोगों को पसंद आई ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, डैम।